मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ एंड खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह का रूटीन है जो कि हर घर में होता है। ब्रेकफास्ट वगैरह बन चुका है तो थोड़ा बहुत क्लीनिंग तो करना ही पड़ता है सुबह सुबह। ऑर्गेनाइज सारा शाम होते होते सारा सामान बिखरना, घर बिखरना शुरू हो जाता है, सारा रूम मैसी हो जाता है। तो थोड़ा हम शाम होते होते आलसी भी हो जाते हैं और सामान इधर उधर रख भी देते हैं। तो ये तो हर घर का है, सुबह में बच्चे भी सामान इधर उधर रख देते हैं, उन सबको क्लीन करना, ऑर्गेनाइज करना, ये तो हमारा रूटीन है। और ये रूटीन अच्छा भी लगता है, घर को ऑर्गेनाइज करके रखना भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से टेबल वगैरह सब, मेडिसिन वगैरह इधर उधर सबको ऑर्गेनाइज करके रख देने से फिर चीज़ें टाइम से मिल भी जाती हैं जगह पर रखने से। तो इस तरह से सभी चीज़ों को हमने, टेबल को भी ऑर्गेनाइज कर दिया, इस पर सारा सामान मार्केट से आया था तो इसी पे रख दिया था हमने, वो सब ऑर्गेनाइज करके और रूम को क्लीन कर देना है। ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और क्लीनिंग करने के बाद एक सुकून सा मिलता है। बच्चे भी दो दो सामान रख देते हैं और डस्ट तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है, कितना भी रोज़ क्लीनिंग कीजिए डस्टिंग कीजिए, आ ही जाता है कितना भी करो आप। ये सुबह का रूटीन हर घर में होता है। आधे एक घंटे का टाइम देना होता है और सारा घर ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो ये रूम मेरा ऑर्गेनाइज हो गया, चलते हैं लिविंग रूम में। तो ये मेरा ओपन एरिया है, खुला खुला सा है, तो यहाँ बैठना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छी हवा आती है और रोशनी भी बहुत अच्छी आती है। और सबसे अच्छी बात है कि डायरेक्ट सुबह की सनलाइट आती है, तो यहाँ बैठ के चाय पीना वगैरह बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये नहीं लगता है कि हम घर के अंदर बंद हैं, सुकून सा लगता है यहाँ बैठना, बहुत अच्छा लगता है। ये पिंक वाला फ्लावर वाला जो कुशन कवर है फ्रेंड्स, तो ये मेरे चैनल पे है, ये रीयूज आइडिया है ओल्ड सोफ़ा कवर से। जैसे सोफ़ा कवर पुराना हो जाता है या अच्छा रहता है और कुछ पार्ट उसका डैमेज हो जाता है तो हम उसे यूज नहीं करते हैं, तो जो सही है पार्ट उसका हम रीयूज करके कुछ अच्छा सा बना सकते हैं। तो ये मेरे चैनल पे है, आप उसे विजिट कर सकते हैं, मेरे वीडियो पे जाके क्लिक करके रीयूज सोफ़ा कवर, तो उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही ईजी मेथड से बना है, ये सब पूरा न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है 2-3 दिन से, तो उसको हमने लगा दिया और आज का पेपर टेबल पे ही रख दिया कि ताकि फ्री होने के बाद थोड़ा सा बैठकर देख लेंगे न्यूज़। मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद ही न्यूज़पेपर देखती हूँ, क्योंकि काम जब पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है बैठना। तो सुबह का काम फिनिश करके डस्टिंग वगैरह करके तब मैं बैठती हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने। यहाँ सूरज पे ये सब मेडिसिन वगैरह है, ये जो हमारा डॉगी है सीरो उसका है, तो हम यहीं पे रखते हैं, उसको देने में आसानी होती है। तो 10-15 मिनट देने से डस्टिंग का काम ख़त्म हो जाता है और हमारा घर भी बिल्कुल क्लीन और असेंबल लगता है, अच्छा लगता है देखने में। तो ये एरिया भी हमारा क्लीन हो गया। अभी भी धूप आ रही है और ये आईना वगैरह मिरर वगैरह जो भी होता है ब्रश करने से थोड़ा पानी का छींटा पड़ ही जाता है, तो उसे भी क्लीन कर लेते हैं। और दूध भी आ गया है तो इसे मैं बॉयल होने के लिए रख देती हूँ गैस पे, और इसको रख के मैं जाऊंगी अब नहाने। सारा काम फिनिश हो चुका है और ब्रेकफास्ट तो बन ही चुका है, तो इसको मैं सिम करके बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम करके और रख दूंगी, तो बॉयल होकर गिरता भी नहीं है, आराम से बॉयल होते रहता है, गिरने का डर नहीं रहता है कि बॉयल होकर गिरेगा गैस पे। तो अब मैं जाऊंगी नहाने, नहा कर आ गई हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा रेसिपी शेयर करी हूँ, ब्रोकली का सब्जी। ब्रोकली बहुत ही अच्छा लगता है और हेल्दी भी है,
तो थोड़ा सा तेल गरम करके इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि ब्रोकली की सब्ज़ी क्रंची बहुत अच्छी लगती है। आप इसे चाहे तो ऐसे सलाद वगैरह में भी हल्का सा बॉईल करके खा सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे उसी पैन में जीरा, तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, इलायची डाल के दो मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डाल के इसे हम भून लेंगे। तो देखिए प्याज हमारा भुन चुका है। तो इसमें डालेंगे हम एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे इसमें और इन सबको अच्छे से हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो मसाला भी हमारा भुन चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज का टमाटर, वो भी चॉपर में चॉप किया हुआ है। और इसके साथ साथ हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालने से टमाटर हमारा जल्दी से पक जाएगा। और डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और इन सबको अच्छे से 1 से 2 मिनट भूनेंगे जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए। तो तेल सेपरेट हो चुका है तो ब्रोकली को इसमें हम डाल देंगे और इसमें पानी हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ, तो इसमें पानी हम थोड़ा ही डालेंगे और इसे 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 1 से 2 मिनट हो चुका है, इसी तरह की हमें सब्जी चाहिए। तो अब इसमें हम डालेंगे, देखिए पक भी गया है ब्रोकली और थोड़ा क्रंची भी रहता है तो भी ये बहुत टेस्टी लगता है। इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया पत्ती और डालेंगे कसूरी मेथी 1 चम्मच के करीब में, इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।